हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। सो गाइस, अगर आप भी अपने फोटो को कुछ अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए, अगर आप फोटो बनाना चाहते हो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप भी अपने फोटो को कुछ इस टाइप का बनाओगे तो आपका फोटो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में लगेगा, बहुत ही ज़्यादा आपके अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगाते हो तो उसकी इंगेजमेंट भी अच्छी बढ़ जाती है। तो आप जो है इस फोटो को कैसे बनाओगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कर दो लाइक, चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका जो मैं लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नाम फोटो लैब ऐप है, तो सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर, जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे कुछ ऐसे आपको फोटो देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर चाहें तो अपनी रील भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप की आपको रील्स हो रही है, तो आप कुछ रील भी अपनी जो है एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर इस टनक पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपको जिस चीज़ की चाहिए, अगर आप लड़की हो तो यहाँ पर आपको गर्ल सेलेक्ट कर लेना है। कपल के लिए चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर, मैं आपको इंस्टाग्राम के लिए मेरे को एक फ़ोटो चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पर इंस्टा यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर इंस्टा टैप किया है, यहाँ पर आ गया है। तो इंस्टा ही मैंने जैसे टैप किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर फ़ोटो आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर ये फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो है अपना, यहाँ पर जो है आपके नीचे की साइड जब देखेंगे आप, तो आपके फ़ोटो जो है नीचे की सो आपको शो हो जाएंगे। तो सिंपली आपको जिन फ़ोटो को भी आपको यूज़ करना है, यहाँ पर आपको बेहतर ये रहेगा कि आप अपने फ़ोटो को इस फ़ोटो के हिसाब से सेलेक्ट करें। जैसा ही आपको यहाँ पर ये दिख रहा है तो और बेटर लगेगा आपका फ़ोटो। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपको पहले ग्राफ में दिखाया गया है कि आपको जो है फ़ोटो इस टाइप का आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो कुछ आपका इस टाइप का ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ अपने इस टाइप का फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल तो मेरे फ़ोन में ये नहीं है फ़ोटो, तो चलो मैं यहाँ पर, एक फ़ोटो मेरे को मिल गया है। मैं यही आपको दिखाने के लिए बस एक फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, सिंपली आपको उसको कर देना है। यहाँ पर एग्री पे आपको कर देना है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्रॉप खुद ही करने को ये बोल देगा, और आपको यहाँ से क्रॉप कर लेना है। यहाँ पर आपको एक आगे का बटन आपको मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है। आप जैसे इस पर टैप करोगे, टैप करने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड आप जब देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग चलती हुई आपको दिखेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 मेथड आपको कंप्लीट होने हैं। तो ये मेरा चौथा ही मेथड आपको यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, प्रोसेसिंग मेरी जो चल रही है। तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग जो है कंप्लीट होने देनी है। तो वीडियो में आप बने रहें, यहाँ पर आपको एक दो एड्स भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर गाइस। तो सिंपली आपको इसको स्किप कर देना है। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा फ़ोटो बन गया है। सिंपली आप इन फ़ोटो को आप कैसे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा फ़ोटो कुछ इस टाइप का था, तो ये मेरा इस टाइप का हो गया। अगर आप इसको प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोटो आपके रियल फ़ोटो में बदल जाएगा, और यहाँ पर आप जब छोड़ोगे तो सिंपली आपको इसका जो ऐसा एडिटिंग में आ जाएगा। सिंपली आपको इस पर सर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर, जब आप नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक दो बार इसको टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर जब आप नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा। आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जब डाउनलोड वाले बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपका फ़ोटो जो है आपकी वो गैलरी में चला जाएगा। मैं आपको अपनी फ़ोन की गैलरी में जाता हूँ, यहाँ पर आपको मैं अपना फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा एक जो है ये वीडियो थी गाइस, तो यहाँ पर ये मेरा वीडियो में बदल गया है। तो आप भी अपने फ़ोटो को कुछ ऐसे एडिट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।